नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहा, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि नव वर्ष पर गोरखपुर पुलिस द्वारा एक सुरक्षा व्यवस्था की गई। जनपद के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र बुढ़िया माता मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, नौका विहार, चिड़ियाघर, रेल म्यूजियम, वी पार्क, हनुमान मंदिर पर ट्रैफिक पुलिस व सिविल पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। नौकायान पर आने जाने वाले वाहनों के रूट को डायवर्ट किया गया है, जिससे कि किसी यात्री को किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। नागरिकों के वाहनों के पार्किंग के लिए जगह जगह पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जिससे कहीं पर भी भीड़ न लगने पाए और नागरिकों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। नववर्ष की सभी नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर TSI रामदेश यादव, नौकायान चौकी प्रभारी विजय गौड़ सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, उससे पहले रोकना मत, बता रहा हूँ मैं, अगर ओए ओए चलो पुलिस वाले यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आम आदमी थोड़े आएगा यहाँ पे। जागरूकता तो ठीक है, आप सब जितने खौफ है और खौफ भी अंदर के लिए भीड़ में जाते हैं। नई गाड़ियाँ मिल रही है ना आपको, वो पहले यहाँ आ जाएंगे बाबू, आपको चॉकलेट दीजिए। सबसे बढ़िया 112 डायल 112 मिलाए 112 डायल 112 चाहे आदरा डायल 112 मिलाए वाले लगाए 112 डायल 112 मिलाए 112
आधी किलोमीटर की दूरी में कोई सवारी चलेगी कोई चलेगी, जल्दी करिए तुरंत रिक्शा, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं। सभी गोरखपुर वासियों को नवस की शुभकामनाएं। आज गोरखपुर पुलिस द्वारा एक विस्तृत रूप से पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें बुढ़िया माई मंदिर से खोरावार क्षेत्र में चिड़ियाघर, नौकायन, गुरु गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस वगैरह तमाम जगहों पर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय होगा और बिना किसी नेगेटिव इंसिडेंट के नव वर्ष मनाया जाएगा। थैंक यू।